नमस्कार, पत्रिका न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नेहा ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लाल बत्ती के बिना आप कैसे देखेगा प्रदेश के रईस मंत्री संजय पाठक का रसूख, बीच रास्ते उतारी बत्ती। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वीआईपी कल्चर से तौबा, मंत्री शरद जैन, पाठक और मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण अध्यक्ष साहू ने भी हटाई लाल बत्ती। हाईकोर्ट ने कहा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बन गया तब भी कम ना होंगे आपराधिक घटनाएं। याचिका का पटाक्षेप, हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए कहा कानून बनाना सरकार का नीतिगत मामला। हिरण नदी में डूबने से किशोरी की मौत, खितोला थाना क्षेत्र के गढ़चपा ग्राम की घटना, बच्चों के साथ नहाने गई थी किशोरी। मिशनरी स्कूल ने दिखाया कलेक्टर के आदेश को ठेंगन, नौनिहालों को तपती धूप में बुलाया, जिम्मेदारों ने साधी छुप्पी, शिक्षा अधिकारी बोले होगी नीतिगत कार्रवाई। युवाओं ने आंख पर पट्टी बांधकर 25 किलोमीटर तक बाइक दौड़ाई, जादूगर आनंद की टीम का ब्लाइंड शो, सड़क पर हुआ जादुई कारनामा। केंद्र द्वारा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में संशोधन पर किसी को भी लाल बत्ती नहीं देने का फैसला लिया गया है। प्रावधान 1 मई से लागू होना है। इस पर बुधवार रात से अमल शुरू हो गया। इसकी शुरुआत बरेला में मुख्यमंत्री ने की। इसके बाद मौके पर मौजूद लाल बत्तीधारी मंत्री और संतरी सभी ने अपनी गाड़ियों की बत्तियां उतारनी शुरू कर दी। इस बीच लोगों में चर्चा रही कि प्रदेश के सबसे रईस मंत्री संजय पाठक, जो कि आए ही इसलिए थे कि उन्हें बत्ती मिलेगी और रसूख कायम रहेगा, अब बिना बत्ती के कैसे चलेंगे। परंतु पार्टी का आदेश है मन मार कर ही सही, मंत्री संजय पाठक सहित अन्य मंत्रियों निगमाध्यक्षों ने बत्ती निकाल ही दी। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि लाल बत्ती बंद, तो मैं तत्काल प्रभाव से अपनी लाल बत्ती छोड़ने की घोषणा करता हूँ। कोई लाल बत्ती की जरूरत नहीं है, मंत्रियों को भी लाल बत्ती की जरूरत नहीं है। कल ढेर लगा दो लाल बत्ती उतार उतार दी, अफसरों को भी लाल बत्ती की जरूरत नहीं है। कलेक्टर कहें सौंप तो नहीं है लाल बत्ती उतारो, बस लाइन ऑर्डर। लाइन ऑर्डर के लिए कई बार पीली बत्ती की जरूरत होती, कहीं झगड़ा हो गया, कहीं और कुछ ऐसी चीज हो गई तो जल्दी पुलिस को घुसना पड़ता है। वैसी जगह बीमारों के लिए कई बार ले जाना पड़ता है तो नीली बत्ती जलती है, लाइन ऑर्डर के लिए पीली बत्ती जलती है, प्रशासनिक कामों के लिए पीली बत्ती जलेगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि व्यवस्था बनाने के लिए जहां जहां बत्ती की जरूरत है वहां बत्ती रहेगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी पर कोई बत्ती नहीं रहेगी। अपनी तो सबको जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन के साथ चलेंगे। आओ मेरे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अन्य मंत्रियों ने भी तत्काल अपने वाहनों से भी लाल बत्ती उतरवा दी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री शरद जैन ने भी बरेला में घोषणा की, फिर रात में राइट टाउन स्थित कार्यालय पहुंचे और अपने वाहन से लाल बत्ती हटवा दी। इससे पहले वे सीएम के साथ डुमना एयरपोर्ट पर गए, वहां से कार्यालय पहुंचे थे। राज्य मंत्री संजय पाठक कटनी से जबलपुर लौटते समय बस स्टैंड चौकी पहुंचे जहां उन्होंने लाल बत्ती हटवाई। महाकौशल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रभात साहू ने सिविक सेंटर स्थित प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचकर अपने वाहन से लाल बत्ती हटवाई। जनता ने लाल बत्ती हटाने को लेकर स्वागत किया। क्या कहेंगे, ये फैसला स्वागत योग्य है। हम लोग मंत्री बात में पहले राजनीति के क्षेत्र में आए और राजनीति के क्षेत्र में जो इंसान आता है वो गरीब की सेवा के लिए क्षेत्र और प्रदेश और देश के विकास के लिए आता है। तो जो देश और प्रदेश के विकास के लिए गरीब को उत्थान के लिए काम करता है, जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते। अरे अब क्या करोगे, मोदी जी ने पैसा जता दी तो खत्म करो काम। भैया बेटा साढ़े चार घंटा, एक मिनट भैया, भैया ऐसे ही लिए रहना। संजय भैया थोड़ा सा आप भी, अरे हाँ वही मैं कह रहा था, थोड़ा सा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया कि आज कुछ विशिष्ट चरणों को छोड़कर
बाकी लोग लाल बत्ती का उपयोग नहीं करेंगे और उनकी बात का सम्मान करते हुए आज हमारे मुख्यमंत्री गोरखपुर प्रवास में थे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बरेला में उन्होंने इस बात की घोषणा की कि मैं भी अपनी गाड़ी से लाल बत्ती रख कर रहा हूँ और उनकी गाड़ी के बाद फिर बाकी सारे लोगों ने हम सब लोगों ने भी उनके आदेश का पालन करते हुए आज अपनी गाड़ियों से लाल बत्ती का रखा। नहीं नहीं अभी दो मिनट रख दो ना, बस दो मिनट है, रखे रहने दो, अभी दो मिनट है, अभी रखे रहने दीजिए भैया। हाँ हाँ भैया, इस तरफ अरे एक तो रुक जाओ, क्या बहुत सारे आ रहे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने स्वतः संज्ञान लेकर दायर याचिका का बुधवार को पटाक्षेप कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बनने से वकीलों पर होने वाली आपराधिक घटनाएं कम नहीं होंगी। किसी विषय पर कानून बनाना या ना बनाना सरकार का नीतिगत मसला है, कोई सरकार को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकती। मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है, वहीं इस पर अंतिम फैसला लेगी। है वकीलों पर हमलों की बढ़ रही घटनाओं व इनके विरोध में वकीलों के आंदोलन करने से न्यायपालिका का समय प्रभावित होता है, वहीं वकीलों में भी भय का वातावरण बन रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए नवंबर 2015 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह मामला दायर किया था। इसके अनुसार 8 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री आवास भोपाल में हुई वकीलों की महापंचायत में सीएम शिवराज सिंह ने वकीलों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जल्द ही लागू करने की घोषणा की थी। सरकार की ओर से महाधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने तर्क दिया कि कोर्ट सरकार को कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। सिहोरा में मामा के यहाँ शादी में शामिल होने आई किशोरी गांव के बच्चों के साथ दोपहर में हिरण नदी में नहाने गई थी। नहाते समय किशोरी गहरे पानी में चली गई। गहरे पानी में डूबने से किशोरी की मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची खितौला पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मामले को जांच में लिया है। पुलिस ने बताया कि गोहलपुर जबलपुर निवासी दस्सी गोटिया की बेटी रेशमा 13 वर्ष गढ़चपा ग्राम में मामा विजय गौटिया के यहाँ शादी में शामिल होने मंगलवार को गई थी। बुधवार दोपहर रेशमा गांव के लड़कों के साथ हिरण नदी में नहाने गई। नहाते समय रेशमा नदी के गहराई वाले हिस्से में चली गई, देखते ही देखते वह पानी में डूब गई। साथ ही लड़के अचानक घबरा गए, सभी दौड़ लगाकर गाँव पहुंचे और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। गर्मी को देखते हुए छोटे बच्चों को स्कूलों से छुट्टी देने की कलेक्टर के आदेश को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि निजी स्कूलों ने उसे ठेंगा दिखा दिया। मामला रांची स्थित सेंट गैब्रियल स्कूल का है, जहां कलेक्टर के आदेश की नाफरमानी करते हुए 9 निहालों को तख्ती रूप में भी बुलाया गया है। इस संबंध में जब परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से बात की तो उन्हें कहा गया कि हमें कोई आदेश नहीं मिला है। रांझी स्थित ग्रेबियल स्कूल गर्मी में भी बच्चों को स्कूल बुला रहा है, जबकि जबलपुर कलेक्टर महेश चंद चौधरी ने बुधवार को ही आदेश जारी कर स्कूल बंद करने का आदेश दिया था। ऐसे में निजी स्कूलों की मनमानी कलेक्टर के आदेश पर भारी पड़ती नजर आ रही है। जिला शिक्षा अधिकारी सतीश अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में जाँच की जा रही है, कलेक्टर को इससे अवगत कराया जाएगा, इसके बाद ही स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी। बुधवार का दिन शहर के लिए एक बार फिर रोमांचकारी साबित हुआ, क्योंकि दूसरी बार शहर में आग पर पट्टी बांधकर बाइक चलाने का सक्सेसफुल शो हुआ।
जादूगर आनंद और उनकी टीम द्वारा ब्लाइंड राइड शो रखा। 3 साल पहले जादूगर आकाश ने इस तरह की बाइक पर अंधी यात्रा शहर की सड़कों पर की थी। इस राइड शो के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में शहर के लोग शामिल हुए। जादू दिखलाना नहीं, इसके साथ एक मैसेज है हमारा, सामाजिक सरोकारी है कि रोड एक्सीडेंट में जितने लोग दुनिया में मरते हैं, बड़े बड़े युद्ध में नहीं मरते। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उतने लोग नहीं मरे हैं जितने हर साल लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, पहली बात। दूसरी, पूरी दुनिया में आज तक एक भी अंधा आदमी रोड एक्सीडेंट में कभी नहीं मरा। आप याद करके देखिए, अंधा नहीं मरता रोड एक्सीडेंट में, आँख वाले लोग मरते हैं। एक आदमी जो अपने परिवार को कमा के पाल रहा है, यदि अचानक उसकी मौत हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, तो पूरा परिवार अनाथ हो जाता है। साइकिल चलाने का मतलब ये है कि जिसने पट्टी बांधी वो अंधा हो गया। तो संदेश ये है कि यदि एक अंधा आदमी भीड़ में इतनी सुरक्षित ड्राइविंग कर सकता है, खुद भी सेफ है, दूसरों को भी सेफ रख रहा है, तो आपको तो ईश्वर ने दो सुंदर आँखें दी हुई। अगर आप लोग एक्सीडेंट क्यों करो, वाकई खेल है या नहीं है ये भी एक मिस्ट्री है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खेल है, बहुत बड़ा खेल है। और उसमें जिस स्तर के स्किल की जरूरत होती है वो शायद भगवान किसी किसी को देता है, और ऐसा स्किल जो है निश्चित रूप से नर्मदा मैया ने और भगवान ने हमारे जादूगर आनंद जी को दिया। और क्योंकि आखिरी बार मेरा जबलपुर में इसलिए मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है आप लोग देख सकते हैं कि इतना सब कुछ आंखों को बांटा जा चुका है। इसके बाद अब एक फैली उड़ानी जाएगा। मोबाइल वाले भैया पीछे आ जाओ, कहीं पे कोई मोबाइल बड़ी डिस्टर्ब करने लगे। तो ये थे आज के समाचार। अन्य खबरों के लिए बने रहें पत्रिका पर, या फिर आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.patrika.com पर। नमस्कार, जय हिंद।